सो हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए ई के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन सी जी एल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में आफ्टरनून शिफ्ट में आया हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्पल ऑफ वंस ईज एप्पल ऑफ वंस ई है देखिए ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया हुआ है बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिला मिला होगा और मिलेगा आगे भी तो हमें बताना है कि एप्पल ऑफ वंस ई जो idiom है इसका कौन सा आंसर होगा कौन सा इसका अर्थ होगा पहला ऑप्शन है सम वन वू प्ले ऑल स्पोर्ट्स बी ऑप्शन है सम वन विद ग्रेट रिस्पेक्ट सी ऑप्शन है सम वन वेरी प्रीसियस और डियर फोर्थ ऑप्शन है डी सम वन वू बिहेव कर्टियसली तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा देखिए एप्पल ऑफ वंस ई का मतलब होता है सम वन वेरी प्रीसियस और डियर तो इसका आंसर सी होगा जैसे मैं कहूँ अक्सर इज द एप्पल ऑफ हीज फादर्स ई ए अक्सर इज द एप्पल ऑफ हीज फादर्स ई ए मीन्स अक्से अपने पिता की आ पिता की आंखों का तारा है बहुत ज़्यादा अपने पिता के लिए प्यारा है बहुत ज़्यादा अपने पिता के लिए कीमती है तो देखिए एप्पल ऑफ वंस ई का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कीमती होना मूल्यवान होना बहुत ज़्यादा प्यारा होना किसी के लिए तो इसका आंसर सी हो जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स अगला ईडीएम देखते हैं अगला ईडीएम है क्वेश्चन नंबर टेन टू टू दाइन्स टू दाइन्स तो हमें बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा कौन सा इसका अर्थ होगा ऑप्शन ए है टू बी एग्जाल्टेड ऑप्शन बी है टू बी जीलियस ऑप्शन सी है टू ग्रेट डेप्थ एंड ऑप्शन डी है टू परफेक्शन देखिये टू दाइन्स का अर्थ होता है टू परफेक्शन मीन्स बिल्कुल परफेक्ट होना बिल्कुल सही होना फॉर एग्जाम्पल राहुल इज ड्रेस्ड टू नाइन फॉर पार्टी राहुल इज ड्रेस्ड टू नाइन फॉर दी पार्टी राहुल ने परफेक्ट ड्रेस पहरी हुई है पार्टी के लिए तो टू दाइन्स का मीन्स गया टू परफेक्ट होना तो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवन है एट द इलेवेंथ होवर एट द इलेवेंथ ओवर का हमें क्या बताना है idiom बताना है देखिए यहाँ पर होवर को हम होवर ना बोलकर ओवर बोलेंगे क्योंकि एच इसमें साइलेंट है तो ओवर होगा ये एट द इलेवंथ ओवर तो हमें बताना है कि कौन सा idiom इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एट इलेवन ए एम होगा ऑप्शन बी एट इलेवन पी होगा ऑप्शन सी एट दी लास्ट मिनट होगा या ऑप्शन डी वन होवर बिफोर मिडनाइट होगा तो देखिये ईडीएम एट आंसर होगा वो होता है एट दी लास्ट मिनट बिल्कुल अंतिम क्षण पर बिल्कुल अंतिम समय के ऊपर जैसे आई टोल्ड किशन टू चेंज हिज हैबिट ऑफ फिनिशिंग एवरी प्रोजेक्ट एट 11th होवर मैंने किशन से कहा आपको अपनी आदत बदलनी चाहिए कि आप अपने प्रत्येक प्रोजेक्ट को लास्ट समय पर पूरा करते हो तो एट दिस होता है लास्ट मिनट पर बिल्कुल अंतिम क्षण पर अंतिम समय पर तो इसका आंसर हो जाएगा सी तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है ए स्टोर इन ए टी ए कप ए स्टॉर्म इन ए टी ए कप का हमें बताना है कि कौन सा ईडियम इसका आंसर होगा को, इस ईडीएम का कौन सा अर्थ होगा कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन है अननेसेसरी टेंशन दूसरा ऑप्शन बी है डिसअरेंजिंग दी कटलरी तीसरा ऑप्शन सी है लॉट ऑफ फस दैट विल सून बी फॉर एंड चौथा ऑप्शन डी है ए सडन स्टोरम ड्यूरिंग टी ए टाइम देखिए ए स्टॉर्म होता है छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देना को हम क्या बोलते हैं तो 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 अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन है पाइप ड्रीम पाइप ड्रीम का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ड्रीम और आइडिया दैट इज लाउडली प्रोक्लेम्ड बी ऑप्शन है ए ड्रीम और आइडिया दैट इज नियरली ए कम्प्लीस्ड सी ऑप्शन है ए ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन और डी ऑप्शन है ए ड्रीम और आइडिया दैट कीप्स गेटिंग तो देखिए फ्रेंड्स पाइप ड्रीम का मतलब होता है ऐसे ड्रीम जिनका पूरा होना संभव नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ए ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन जैसे मैं कहूँ इट इज़ ए पाइप ड्रीम इफ़ यू थिंक ए डोंकी कैन डिफीट ए लोयन इन दी फाइट ये एक असंभव बात होगी अगर आप ऐसे सोचते हो कि एक जो डंकी होता है कुत्ता होता एक जो डंकी होता है गधा होता है वो एक लोइन होता है शेर को क्या अगर डिफीट कर दे तो ये बात असंभव है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है हरक्यूलिन टास्क हरक्यूलिन टास्क ईडियम का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन है ए जॉब दैट ओनली वीक पीपुल आर असाइंड बी ऑप्शन है ए जॉब दैट मेक्स यू वन फील प्राउड सी ऑप्शन है ए जॉब दैट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ टॉकिंग एंड इंफॉर्मेशन डी ऑप्शन so है ए जॉब दैट रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ देखिए फ्रेंड्स ए हरकुलिन टास्क मीन्स होता है कठिन कार्य बहुत मुश्किल से होने वाला कार्य है तो जो मुश्किल से कार्य होगा उसके लिए स्ट्रेंथ की काफी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है तो इसका आंसर ए हो जाएगा ए जॉब दैट रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ तो इसका आंसर डी हो जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है स्पिक एंड स्पेन स्पिक एंड स्पेन ईडियम का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन है फार एंड नेयर दूसरा ऑप्शन बी है नोइज़ी एंड लाउड तीसरा ऑप्शन सी है फास्ट एंड इफिशियंट चौथा ऑप्शन डी है नीट एंड क्लीन तो देखिए स्पिक एंड स्पेन मीन्स होता है साफ सुथरा स्वच्छ तो इसका आंसर डी हो जाएगा नेट एंड क्लीन नेट एंड क्लीन मीन्स भी होता है साफ सुथरा स्वेच जैसे मैं कहूँ माई हाउस इज सो स्पिक एंड स्पेन दैट यू विल हार्डली फाइंड एनी थिंग अन टाइडी मेरा हाउस इतना स्वच्छ और साफ सुथरा और व्यवस्थित है कि आप मुश्किल से कुछ मेरे हाउस में पाओगी कि जो अन टाइडी हो गंदी चीज हो कुछ अस्त व्यस्त चीज हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा नीट एंड क्लीन तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है गो इजी ऑन समथिंग गो इजी ऑन समथिंग ई का हमें बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा ए ऑप्शन फिल वंस प्लेट इजीली होगा या फिर बी ऑप्शन यूज ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ होगा या सी ऑप्शन टेक एज मच एज वन वांट होगा या डी ऑप्शन इट स्लोली एंड लिबरली होगा तो देखिए ई डी एम गो इजी ऑन समथिंग का जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन यूज ओनली ए स्मॉल अमाउंट यूज स्मॉल अमाउंट इसका आंसर हो जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है पेट ऑन दैक पेट ऑन दी बैक ईडीएम का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आंसर होगा पहला ऑप्शन है फ्रेंडली टैप टू पुश समूसरा ऑप्शन बी है प्राइज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड तीसरा ऑप्शन सी है गुड मैसेज फॉर एकज एंड पेंट्स चौथा ऑप्शन है डी माइल्ड ऑफ माइल्ड फॉर्म ऑफ डिसअप्रूवल और ब्लेम तो देखिए पेट ऑन दी बैक मीन्स होता है हौसला बढ़ाना शाबाशी देना जैसे मैं कहूँ आई गोट ए पैट ऑन दी बैक फ्रॉम माई फादर फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम जैसे मेरे फादर ने मेरा हौसला बढ़ाया काफ़ी जब मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिले सो so, हौसला बढ़ाना या शबाशी देना होता है पेट ऑन दी बैक मींस तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 वाइल्ड गोज चेज वाइल्ड गोज चेज का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा ए ऑप्शन है ए सफारी टू स्पॉट रेयर एनिमल्स बी ऑप्शन है ए लॉन्ग सर्च फॉर हिडन प्रे सी ऑप्शन है, है, तो है तो तो आ, ए वर्थलेस हंट और चेज एंड डी ऑप्शन है गोइंग टू वॉच अनकॉमन बर्ड्स तो देखिए फ्रेंड्स वाइल्ड गुज चेज मीन्स होता है निरर्थक प्रयास वर्थलेस एफर्ट तो देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा ए वर्थलेस हंट और चेज सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल राहुल लुकिंग फॉर हिज लोस्ट फोन मे बी ऑन ए वाइल्ड गोज चेज यानी राहुल का अपना लोस्ट फोन को ढूंढ रहा है ये हो सकता है उसका निरर्थक प्रयास हो उसको फोन ना मिले तो वाइल्ड गोज चेज मीस होता है निरर्थक प्रयास यूजलेस एफर्ट बोलते हैं हम इसको तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है ए किक इन दीथ दी एक किक इन दी टीथ का ईडियम का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन ए है सेवेयर टूथ एज ए बी ऑप्शन है ए ग्रेव सेट बैक सी ऑप्शन है रिमूविंग टूथ केविटीज एंड डी ऑप्शन है हिटिंग समवन हार्ड तो देखिए फ्रेंड्स एक किक इन दी टीथ मींस होता है जबरदस्त झटका ए ग्रेट सेट बैक और, और ए ग्रेव सेट बैक फॉर एग्जाम्पल लूजिंग माई जॉब आफ्टर माई कार ब्रोक डाउन वॉज ए रियल किक इन द टीथ फॉर मी सो ए किक इन द टीथ मीन्स होता है जबरदस्त झटका जोरदार झटका ए ग्रेव सेट बैक तो इसका आंसर बी हो जाएगा ए ग्रेव सेट बैक